नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें। आज भी हम इस मुद्दे को लेकर आज हम पश्चिम विभाग में खड़े हैं, जहां पर 9 तारीख के घटना को विश्राम बाग शिवपुर पूर्व में आता है रेलवे स्टेशन के बाजू में, जहां से 40 साल से रह रहे रहवासियों को 9 तारीख को मुंबई महानगर एवं पश्चिम विभाग और जो कारखाना है उन्होंने लैंडलॉर्ड के मिली भगत से जबरन वहाँ पुलिस प्रोडक्ट लेकर वहाँ की लाइट और पानी कट कर दिया गया है, जिसको आज लेकर उनकी मीटिंग चल रही थी आयुक्त के साथ में, लेकिन आयुक्त मानने और उनका अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। जहाँ पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का सीधा आदेश है कि इनको पर्याय व्यवस्था की व्यवस्था दी जाए और उनको फिर उनसे वहाँ से हटाया जाए, लेकिन यहाँ मुंबई महानगर पालिका की जो बदमाशी है, बदमाशी के चलते रहवासी परेशान है, लेकिन उनसे अभी तक कोई इसका मामला नहीं निकल गया है। जो बैठक थे यहाँ के आरपीआई कार्यकर्ता अठोले जी के लोग यहाँ पर थे, लेकिन उनको मानने को तैयार नहीं, उनकी कोई भी सुविधा देने को तैयार नहीं है, जिसमें लोगों को आज ये बुरा हाल देखने को मिल रहा है कि लोग दो दिन से बिना लाइट पानी और छोटे छोटे बच्चे जो आज परेशान है उसी को परेशान लेकर अभी तक बीएमसी को एक छोटे बच्चे पर रहम नहीं आता और बिल्डर से लोगों इतना साठ गांठ करके बड़े पैमाने पर रिश्वत लेके, लोगों का कहना है कि रिश्वत लेके ये वो जो पानी और लाइट कट किया और डोमिनेशन की बात कर रहे हैं कि वो धोखादायक बिल्डिंग है, इन्होंने झूठा फर्जी रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट को ही उन्होंने गुमराह किया है, उसी को लेकर उन्हें कोर्ट कंडम भी किया गया है, जिसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। लेकिन ये बीएमसी के जो बदमाश अधिकारी, जो भ्रष्टाचारी अधिकारी, वो मानने को तैयार नहीं है, इसी को लेकर आइए बात करते हैं उनसे, जनता से जो वहाँ की आज मीटिंग और आरपीआई कार्यकर्ता के लोग हैं उन्हीं से बात करते हैं, ये पूरा मामला क्या था और क्या मीटिंग में चली गई। देखिए, चर्चा इसके लिए आए थे कि बीएमसी लाइट और पानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध जाके काट दिया है। काटने के बाद हमें बोला, हमने आए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का, तुमने जो विरोध जाके जो कार्रवाई कराई की है, अभी जो कार्रवाई ती लोकानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध जाऊन आम्ही त्याच्याबद्दल इकडे चर्चा करायला आलो, चर्चा करायला आलो, इकडे बोलतात की नाही आम्ही जे कारवाई करतो ते आमचे प्रमाणे करतो, तिकडे सुप्रीम कोर्टला पण ही लोकांनी सगळं खोटं डॉक्युमेंट आणखी फेक डॉक्युमेंट सगळं सांगून हे केले। आम्ही विश्राम बाग पी एल लोखंडे मार्ग CDS 792 राहतो, तिकडे टोटल 792 17 सब प्लॉट्स आहे, सगळं ग्राउंड फ्लोर आहेत। ही लोक एक बिल्डिंग म्हणजे ते शेवटचं एक बिल्डिंग दाखवून, तो पण ते मालकाचंच आहे, तो एक बिल्डिंग दाखवून जे ग्राउंड स्ट्रक्चर आहेत ते सगळं ग्राउंड स्ट्रक्चरला धोकादायक म्हणून बोलतात ते। आमचं घर जे काय आहे 8 फूटचं घर आहे, फक्त ग्राउंड स्ट्रक्चर आहे। आम्ही टेक्निकली ऑडिट रिपोर्टसुद्धा सबमिट केले त्यांना, ते काय ऐकतच नाही, ते बोलतात की आम्हाला काय फरक पडत नाही, आमच्या टॅग कमिटीने जे सांगितले ते सांगितले। टॅग कमिटीने काय सांगितले की जो G+2 आणखी G+1 आणखी त्याच्या बाजूला जे चिपकलेलं आहे तो, तिकडे काही चिपकलेलं नाही, सगळं स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट आहे, ते ती लोक खोटं खोटं सांगतात। अभी फेक इसलिए है क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं एडजोइनिंग है, पर आप अगर डायरेक्टली लाइव भी जाओगे वहाँ पे आप देख सकते हो हर एक बिल्डिंग के बीच में गैप है। वो कौन से हिसाब से होगा, 3 माले का बिल्डिंग बताया गया सुप्रीम कोर्ट में, 3 माले का बिल्डिंग वहाँ पे है ही नहीं, वो लोग बोलते हैं हम इंजीनियर नहीं है, हम नहीं बोल सकते। अरे तुमने बताया वही वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में बोला गया ना, अभी वहाँ पे बोलती है लोकल अथॉरिटी जो बोलेगी, हम उनकी सुनेंगे, लोकल अथॉरिटी गलत बोल रही है, अभी क्या कर सकते बताइए। वहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ग्राउंड है, वहाँ पे 3 माले का बीच के बोलते हैं धोखादायक है, कहाँ से धोखादायक हो गया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो दाखिल होने ही वाला है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो दाखिल होने ही वाला है उनके खिलाफ में। अभी जो हम राइट ऑफ पानी के बिना, वो भी नोटिस कभी सर्व किया उन्होंने, 8 तारीख को शाम को 5 बजे आके नोटिस, वो भी एक के नाम पे, एक के घर के यहाँ पे कोपरे में चिपका कर वहाँ पे। अभी 10 तारीख को सवेरे आ गए लाइट और पानी काटने के लिए, चलो अगर हम जाएंगे उसके रिप्लाई भी दे चुके हैं, हमने ये भी रिप्लाई भी दे दिया, हर एक नोटिस का रिप्लाई किया है कि भाई हमारा ग्राउंड स्ट्रक्चर है, हमारा 3 माले का बिल्डिंग नहीं है या बिल्डिंग है ही नहीं, हमने खुद का ऑडिट रिपोर्ट भी सबमिट किया है, कुछ नहीं मांगते, बोलते नहीं हम नहीं मानेंगे, टैग कमेटी जो बोलते वही मानेंगे, पर टैग कमेटी का गाइडलाइन फॉलो करना होता है। गाइडलाइन मतलब पहला लैंडलॉर्ड ऑडिट रिपोर्ट निकालेगा, उसके बाद यहाँ पे हमारा एक ऑडिट रिपोर्ट जाएगा विरोध में, क्योंकि उसने बरोबर बताया नहीं बताया, फिर उसके बाद टैग कमेटी फॉर्म होती है। अभी टैग, अभी उन्होंने जो बताया है एनडीटी टेस्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो होता है वो एकदम कंपलसरी है, टैग को भी वो फॉलो करना है, ताकि टैग टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी भी होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या है,
उनको भी गाइडलाइन दिया गया, हाईकोर्ट ने गाइडलाइन दिया है कि तुम कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी को धोखादायक अगर कहलाते हो उनको गाइडलाइन फॉलो करना होता है। पहला गाइडलाइन होता है कि उनसे ऑडिट है। अभी टैग कमिटी को दोनों ऑडिट के रखते हुए और आके इंस्पेक्शन करना चाहिए था वहाँ पे कि कितना बिल्डिंग है, कितना ग्राउंड स्ट्रक्चर है, कितना चिपका हुआ है और क्या है। एनडीटी टेस्ट उन्होंने सबमिट नहीं किया। एनडीटी टेस्ट अभी पूछे, अगर मीटिंग में पूछे भाई उन्होंने एनडीटी सबमिट नहीं किया है और टैग कमेटी उसको इंक्लूड कैसा कर सकती है, जबकि हाईकोर्ट का आदेश है कि नॉन डिस्ट्रिक्टेड कंपलसरी फॉर ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर। हर एक स्ट्रक्चर के लिए जो कंपलसरी है वो इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। और बल्कि जो एनडीटी टेस्ट उस लैंडलॉर्ड ने सबमिट किया उसमें कुछ भी नहीं है। इंटरनल इंस्पेक्शन का फोटोज नहीं है, एनडीटी टेस्ट का कोई बराबर वैल्यूज नहीं है। अगर दो बिल्डिंग अगर बता रहा है, वो बोल रहा है कि दो बिल्डिंग का एनडीटी क्या है, तो दो बिल्डिंग में समझ के चलिए, दो बिल्डिंग नहीं है वहाँ पे बाय डिफॉल्ट। सॉरी पर मैं बिल्डिंग बोल रहा हूँ क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं वो बिल्डिंग है। बिजली और पानी काटने के लिए नोटिस पहला क्या स्टार्टिंग से लास्ट तक इंडिविजुअल नोटिस हर एक टेनेंट के नाम से इंडिविजुअल नोटिस सर्व किया गया। और अचानक अभी लास्ट जो पानी काटने के लिए आ रहे लाइट और इलेक्ट्रिसिटी काटने आए थे उस दिन सिर्फ एक नोटिस सिक्योरिटी नाम के और एक चेयरमैन के नाम पे बोल रहे सिक्योरिटी और चेयरमैन हो गए यहाँ पे उनके दरवाजे पे चिपका के चले गए। इंडिविजुअल नोटिस जब स्टार्टिंग से लास्ट तक हमको दिया गया तो इंडिविजुअली हमको बताना चाहिए था, इंडिविजुअल नोटिस देना चाहिए था। किसी और के घर के सामने आके तुम सिक्योरिटी हो मैं साइन किया है, अगर कोई बोलता है मैं सिक्योरिटी चेयरमैन हूँ ठीक है, अगर उनका बोलते हैं तो अरे स्टार्टिंग से तो वो तो स्टार्टिंग में भी दिए थे, तो स्टार्टिंग से लास्ट तक तो आपको देना चाहिए ना कि इंडिविजुअल नोटिस। किसको इंडिविजुअल नोटिस आया नहीं है, एक नोटिस चिपकाया और पाँच बजे हर एक घर के सामने हर कोई जाके थोड़ी देखता क्या नोटिस आया क्या नहीं। वो आदमी बाहर गया रहेगा, वो लॉक रहेगा उसका घर, तो जब तक वो सामने से नहीं बता पाएगा तभी तो हमको मालूम करेगा ना, जो सामने से हमको मालूम ही नहीं। और 10 तारीख को लोग ने आ चुके बोल रहे कि हमको हम तुम्हारा लाइट और पानी काट देंगे, वो भी पुलिस फोर्स के साथ। तो भी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये था ऑल्टरनेट एकोमोडेशन इनको दिला दो फिर उसके बाद कार्रवाई करना, पर ये जो बीएमसी बोलती है वो लुकआउट हमारा नहीं है कि ऑल्टरनेट एकोमोडेशन देना नहीं देना है। बीएमसी उसमें रेस्पॉन्डेंट थी, बीएमसी को भी कानून लागू होता है कि बीएमसी को भी पूछना चाहिए था लैंडलॉर्ड को तुमने उनको दिया है क्या ऑल्टरनेट एकोमोडेशन, उनको दिया है क्या ऑल्टरनेट एकोमोडेशन के बिना तुमने लाइट पानी क्यों काटी। बोलते हैं कि उसने हमको प्रेशर दिया कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे, अरे उनको रिप्लाई देना है ना कि भाई तुम उनको ऑल्टरनेट एकोमोडेशन दिया क्या, नहीं दिया ना, नहीं दिया तो तुमको पानी और लाइट काटने का ये गरज क्या थी, पहले उनको पूछो उन्होंने उनका काम किया क्या। बीएमसी बोलते हैं हमारा काम नहीं है वो तुम दोनों के बीच में लिखा, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी में बीएमसी को बीच में आने की जरूरत क्या है फिर। सर अभी इनका क्या कहना है कि डोमिनेशन का जो आपका प्रतिक्रिया कभी तक करेंगे लोग क्या? अभी प्रतिक्रिया बोल रहे हैं अभी एविक्शन करेंगे, जबकि ग्राउंड स्ट्रक्चर जो धोखादायक है ही नहीं उसका अभी लोग ने फेक डॉक्यूमेंट बनाया क्रिएट ये लोग नहीं कर लिया कि डिलैपिडेटेड बिल्डर के साथ में मिलके। अरे बोलते कि एविक्शन अभी पानी निकाल दिया लाइट निकाल दिया, हमारे घर पे बच्चे लोग है बूढ़ा लोग है, कल 1 महीने का बच्चा है, अब ये बोलते हमारा कुछ लुकआउट नहीं, तुम लाइट ले लो टॉर्च ले लो और रो घर पे मेन बत्ती ले लो ये सब लेके रहो, मतलब कहाँ रहेंगे अभी बच्चे लोग है, अभी क्या चल रहा है कोरोना का वो भी चालू है। बोलते बाहर जाओ हमको लुकआउट नहीं है तुम बिल्डर के साथ में करो मत करो। हमारे जो मुख्यमंत्री का आदेश भी ये था कि ऑल्टरनेट एकोमोडेशन दे दो फिर उसके बाद तुम्हारा जो कार्रवाई करो, अभी उनका भी आलंघन उनका भी जो ऑर्डर था उसको भी फॉलो नहीं किया गया। अभी करना चाहिए हमारे घर पे बच्चे है देखिए यहाँ पे जो भी है सब वहाँ पे रहवासी है, ये देखिए सारे रहवासी अभी रोड में आए, अभी बीएमसी बोलते हम रोड में रहो हमको कुछ फर्क नहीं करता है, तुम्हारे घर के तुम अंदर रहोगे घर तुम्हारे पे गिर जाएगा तो हमारे पे केस कार्रवाई होगी। अभी तुमने जो कार्रवाई की है लाइट और पानी विदाउट सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको फॉलो किए बिना, तुमको पूछना था नहीं पूछा, अभी लाइट पानी काट दिया और बोलते नहीं हम वापस लगाएंगे नहीं, तुम लाइट और उसके बीच में रह दो या तो तुम मरो हमको फर्क नहीं गिरता है, पर तुम बिल्डिंग के नीचे आके मतलब मेरा जो 8 फुट का घर है वो 8 फुट के घर के नीचे में आके मैं मर जाऊँगा, उनका कहना ये है। वो अगर टेक्निकली अगर पूछते हैं बोलते तुम इंजीनियर नहीं हो, इंजीनियर का काम है तुम बोल नहीं सकते, तुमको कोई हक नहीं बनता है। इनसे अपन हमने भी जो एम पैनल ऑडिटर से ही टेक्निकल रिपोर्ट दिया हुआ है ऑलरेडी, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, बोलते हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, हमारा टैग कमेटी हमारा टैग कमेटी, अरे टैग कमेटी क्या गाइडलाइन फॉलो हुआ है क्या, प्रोसीजर फॉलो हुआ है क्या, लिस्ट ऑफ कुछ नहीं फॉलो हुआ, एक भी गाइडलाइन हाईकोर्ट का उन्होंने फॉलो नहीं किया। क्या लगता है कि लैंडलॉर्ड के सामने बीएमसी का जो रवैया है क्या इनकी बड़ी साठगांठ है कि या पैसा देकर बीएमसी को काम करवा? जी बिल्कुल बिल्कुल, वे तो ये तो कुछ शक ही नहीं है, 200% ये लैंडलॉर्ड के साथ मिलकर ये कार्रवाई कर रहे हैं, ये 200% मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये बोल रहा है एक एप्लीकेशन दे दिया उसने, उसका रिप्लाई बीएमसी इंजीनियर को देने नहीं आता है कि भाई तुमको अकोमोडेशन देना है,
उसने मेरे को नोटिस दे दिया, एक एप्लीकेशन दे दिया, कंटम डाल दूंगा तो मैं उसके लिए कार्रवाई कर दिया। अरे कंटम क्या, अरे कंटम क्या हो तो पढ़ो तो सही, सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है। माझं नाव सारिका आहे, मी तिथेच रहिवासी आहे। महानगरपालिकाकडून आम्हाला जशी अपेक्षा होती तसं त्यांनी आम्हाला मदत केली नाही आहे। सर्व अधिकारी करप्ट आहे तिथे, सर्व पैसे घेऊन त्यांनी सर्व फेक डॉक्युमेंट्स बनवून आम्हाला तिथून हकलवण्याचा प्रयत्न चालू आहे त्यांचा। आज जी मीटिंग झाली आहे त्या मीटिंगमध्ये आम्हाला जशी त्यांच्याकडून अपेक्षा होती तसं त्यांनी आम्हाला मदत केली नाही आहे, आणि त्यांना फक्त आम्हाला तिथून हकलवण्याचाच प्रयत्न चालू आहे। आणि पुढे त्यांनी आम्हाला नाही कोणती सुविधा प्रोव्हाइड करायची अशी कोणती इच्छा त्यांची नाहीच आहे। आणि आमची दोन दिवस पण नाही, 1.5 दिवसाची नोटीस लावून आम्हाला तिथून पाणी पुरवठा आणि लाईट पुरवठा सर्व बंद केली आहे। आम्ही 3 दिवसापासून अंधारात विदाऊट पाणी आम्ही राहतो आहे। फक्त एवढंच इतना ही पता नहीं क्या है कि अभी इस कोविड सिचुएशन में हम लोग कहाँ जाए, किधर जाए, हम लोग रोड पे आ जाए किधर, हमारा खुद का घर होके हमको बीमान नगर पालिका कुछ भी हमको प्रोवाइड नहीं किया है। प्रदीप सोनो ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दीपक भाऊ निकाळजे आदरणीय सुनील ताई यांच्या आदेशाने आमचे युवा वार्ड अध्यक्ष शंकर बोर्डे साहेब यांच्याकडे पश्चिम आपल्या चेंबूर पश्चिममधील स्टेशनजवळील काय श्रीबाग लेबर कॅम्प विश्रामबाग येथील लोकांनी त्यांना कॉल केला आणि त्यांना सांगितलं का बीएमसीने आमचं लाईट आणि पाणी हे बंद केलेलं आहे, कनेक्शन कट केलेलं आहे, तर आम्हाला तुमच्या पक्षाकडनं तुमच्याकडनं मदत हवी। तर आमचे शंकर बोर्डे साहेब यांनी ताबडतोब तात्काळ तिकडे गेले आणि तिकडे संपूर्ण माहिती लोकांची घेतली, आम्हाला वरिष्ठांना कळवल्यानंतर आम्ही त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर आम्हाला स्पष्ट कळालं का ह्या लोकांना खरोखर कुठेतरी अन्याय झालेला आहे। आणि याच्यामध्ये महानगरपालिकेचे काही अधिकारी यांनी कोर्टाची दिशाभूल करून आणि बिल्डर जो ओनर आहे याच्याशी संगनमत करून कुठेतरी या गोरगरिबांवर अन्याय केलेला आहे। आणि रिपब्लिकन पक्ष फक्त या भूमिकेत असतो, ज्या जागी अन्याय होतो त्या जागी आमच्या आदरणीय सुनीताई दीपक भाऊ निकाळजे साहेब हे आम्हाला तिकडे पाठवतात। ज्या लोकांना अन्याय त्यांना समर्थ त्यांच्यावरती जे अन्याय झाला आहे त्यांना न्याय द्यायचा आम्ही आमच्या पक्षाकडून आम्ही प्रयत्न करत असतो। विषय म्हणजे असा, आज जी मीटिंग झाली त्या मीटिंगमध्ये आम्ही त्यांना विनंती केली का ह्या गोरगरिबांची जी लाईट आणि पाणीचं कनेक्शन कट केलेलं आहे, आता सध्या परीक्षा मुलांच्या ऑनलाईन चालू आहेत तर लाईटची आणि पाण्याची व्यवस्था त्यांची करून द्यावी। आम्ही ओनरला विनंती केली, महानगरपालिकेला पण विनंती केली, परंतु त्यांनी एकच मुद्दा ठेवला की आम्हाला हायकोर्टची ऑर्डर आहे, सुप्रीम कोर्टची ऑर्डर आहे। मला आणि ऑर्डर पण मला तर त्या ऑर्डरमध्ये अशी हे आहे की कोर्ट स्वतः काही त्या जागी पाहणी करायला येत नाही, पण हे नगर महानगरपालिकेचे अधिकारी तिथे पाहणी करतात आणि चुकीची स्टेटमेंट कोर्टाने त्यांनी दिलेली आहे। आणि आमची संपूर्ण अशी माहिती आहे का जी चाळ आहे ती बैठी चाळ आहे, ती धोकादायक बिलकुल नाही। ज्यावेळेस आमचे पक्षाचे सर्व कार्यकर्ते आम्ही स्वतः तिकडे कालपासून 2 दिवस आम्ही सर्वे करतो, त्या चाळीला कुठे धोका वाटत नाही। जरी धोका असेल तर ओनरनी आणि महानगरपालिकेने प्रथम त्या स्थानिक लोकांची व्यवस्था करावी, त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांना कमीत कमी ट्रँडिश कॅम्प तर मिळालाच पाहिजे। परंतु याच्याकडे महानगरपालिका आणि ओनर जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे हे आमच्या निदर्शनात आले। त्यामुळं जोपर्यंत या लोकांना न्याय मिळत नाही तोपर्यंत रिपब्लिकन पक्षाचे आम्ही सर्व कार्यकर्ते माननीय दीपक भाऊ निकाळजे साहेब राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुनीता ताई आणि आमचे संपूर्ण कार्यकर्ते शंकर बोगडे साहेब, आकाश घोडके साहेब, संजय कांबळे साहेब, मकासरे साहेब, आम्ही सर्व यांच्या पाठीशी उभे आहोत, यांच्या सोबत आहोत। जोपर्यंत त्यांना न्याय मिळत नाही, यांची लाईट पाणी जोपर्यंत चालू होत नाही तोपर्यंत आम्ही त्यांच्या सोबत राहणार आहोत।